बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर मिली जान से मारने की धमकी, इस बार उन्हें पाकिस्तान से आया धमकी भरा कॉल। पप्पू यादव को धमकी देने वाला शख्स खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बता रहा सदस्य। उसने धमकी में कहा, सांसद के पीछे लड़के लगा दिए गए हैं, मौका मिलते ही उन्हें मार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आएंगे 21 नवंबर को बिहार, एनएच परियोजनाओं की देंगे सौगात। बिहार के नीतीश सरकार ने मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग करते हुए केंद्र को भेजा प्रस्ताव, मैथिली को शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल करने की कर दी मांग। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दी इसकी जानकारी। उन्होंने कहा, मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से मिथिला एवं बिहार की भाषाई विरासत का सम्मान होगा। बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर से जदयू के पूर्व 49 वर्षीय एमएलए राम बालक सिंह ने 31 वर्षीय लड़की से रचाई शादी, पूरे क्षेत्र में हो रही चर्चा। झारखंड चुनाव पर राज्यसभा सांसद मनोज झा ने दिया बड़ा बयान, कहा, रिजल्ट आने दीजिए भाजपा और प्रधानमंत्री की जमीन खिसक जाएगी। सांसद मनोज झा ने बड़ा दावा करते हुए कहा, 23 तारीख को जब झारखंड चुनाव का रिजल्ट आएगा तो लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन जो योजनाएं लाई है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। एक तरफा हेमंत सोरेन को जेल भेजना, उसके बाद जितनी योजनाएं लागू हुई बिहार में, 20 तारीख के बाद 23 को जब नतीजे शुरू होंगे तो लोगों के पांव के नीचे की जमीन निकल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत सरकार के झारखंड चुनाव को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। गिरिराज सिंह ने झारखंड के वोटरों से किया अपील, कहा, हेमंत की सरकार ने रांची को कराची बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने कहा, नौजवानों की भविष्य को देखकर वोट करें, अपनी बहु बेटी की इज्जत को देखकर वोट करें, भविष्य की चिंता करें, अपने बहु बेटियों की चिंता करें। जो हालात हेमंत सोरेन ने कर दिए, तो कांग्रेस ने कर दिया, वो रांची को कराची बनाना चाहते हैं। वो दुमका, देवघर, सारे जिले को, साहेबगंज को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि रांची को कराची नहीं होने दें और दुमका को, साहेबगंज को बांग्लादेश नहीं बनने दें। इसीलिए एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। वहीं गिरिराज सिंह ने बुर्का पहनकर वोट करने वाली महिलाओं पर भी दिया बड़ा बयान, कहा, यह संविधान का आदेश है कि अगर कोई महिलाएं बुर्का पहनकर वोट करने जा रही है तो उसका बुर्का खोलकर देखिए, अगर कोई विरोध करता है तो उसका जमकर विरोध करिए। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा, जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे, उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें।